बाराबंकी रामनगर विधानसभा से योगी सेवक नीरज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर लड़ रहे निर्दलीय चुनाव घर घर जाकर मांग रहे वोट। कहा, मुझे नहीं चाहिए विशेष समुदाय के लोगों की वोट। देखिए हमारे संवाददाता अरिंद कनौजा से खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम। मैं हूं अनिल कनौजिया। आज बात करते हैं बाराबंकी जनपद के विधानसभा रामनगर की, जहां के हमारे बीच में मौजूद हैं नीरज शर्मा योगी सेवक जी। आज मैं कुछ इनसे चर्चा करता हूं। पहले तो इनके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। मौजूदा विधायक यहाँ के शरद अवस्थी जी, उनको टिकट मिला है। तो आइए जानकारी करते हैं कि आखिर इन्होंने निर्दलीय रूप में क्यों मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर 9 में। महाराज जी, जनता जानना चाहती है कि आखिर निर्दलीय रामनगर विधानसभा चुनाव लड़ने का क्या कारण है आपका? देखिए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारे जो अभिनंग हैं, हमारे जो जनता जनार्दन हैं, उनकी मांग हुई, और जो देवरूपी क्षेत्र रामनगर के ग्राम प्रधान हैं जो हमसे जुड़े, उन्होंने कहा कि आप नामांकन करिए। तो उस वजह से हम बीच में आए और एक सेवा करने के लिए हम इस देवरूपी क्षेत्र में पहुंचे हैं। महाराज जी, जनता ये भी जानना चाहती कि आप निर्दलीय रूप में प्रत्याशी हैं, तो अपने अगर जनता आपको आखिर क्यों वोट दे? और भी तो यहाँ पर लोग हैं, आखिर इसका क्या कारण, आखिर क्यों वोट दे? देखिए, वोट देना ना देना ही तो जनता जनार्दन के ऊपर है। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है क्षेत्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो मुझे अवसर मिलना चाहिए। अगर मुझे जनता मौका देती है, जितने लाउड स्पीकर हमने अब तक लगवाए, सामाजिक धार्मिक किए हैं, और रोजगार की व्यवस्था के लिए हम बोले हैं, जो खुला आवारा पशु हमारे खेतों में घूम रहे, हमारे हिंदू भाई किसान रात को परेशान होते हैं, इन सब पे एक बड़ा आपको कार्य देखने को मिलेगा इस क्षेत्र के अंदर। महाराज जी, ये भी जानना चाहता हूँ, जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर रामनगर विधानसभा से ही क्यों लड़ने का आपका कारण बना है? देखिए, हमारा लड़ने का नहीं है। अगर हमें यहाँ श्री परिजात धाम और श्री लोधेश्वर महादेव ने बुलाया है, तो एक परिवर्तन के लिए बुलाया है। कुछ इसमें रहस्य छिपा हुआ है, हमें स्वयं नहीं पता कि हम किस प्रकार चल गए। अगर यहाँ बुलाया गया है, तो एक मजबूत विचारधारा को स्थापित करने के लिए बुलाया गया है। महाराज जी, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ से फरीद महफूज की दुआई जी लड़ रहे हैं। देखिए, हमारा किससे तन, कौन क्या कहता क्या नहीं, हमारा तर्क उससे नहीं है। हमें क्या करना है, हम उसको अपना एक मजबूत आधार बनाकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आप मान लीजिए कि यहाँ से जीत गए, आपको जनता चुन लिया, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैं देखिए, ऐसे 5 पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, मैं उनको इस प्रकार इतिहास के पन्नों में दर्ज कराऊंगा। जैसे नाम बड़ा है, भगवान ने चाहा दर्शन भी बड़े होंगे, और एक बड़े स्तर पर जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं हमारे तराई क्षेत्र वाले वाले भाइयों की हों, या फिर जो आवारा पशु घूमने की हों, या रोजगार से संबंधित हों, भगवान ने चाहा उस स्तर पर कराएंगे कि आप भी कहेंगे कि यहाँ कुछ परिवर्तन हुआ है। महाराज जी, आप तो योगी सेवक हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी से आप विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण? विरोध नहीं है, जनता जनार्दन है। पार्टी आज है, शायद कोई कल ना रहे। पार्टी हिंदू आज भी है, कल भी था, और आगे भी रहेगा। तो महाराज जी, आप अपने आप को योगी सेवक कहते हैं, आप योगी सेवक हैं भी शायद, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आप निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाता कि ये विरोध ही है। आखिर जनता देखिए, ये तो अपना विचारधारा है, कौन क्या सोचता है, किस नजरिए से देखता है, उसका स्वयं का नजरिया है। पर हम जिस कार्य को कर रहे हैं, एक बड़ी मजबूत विचारधारा को, जो हम चाहते हैं कि जो हिंदू जगेगा, राष्ट्र बढ़ेगा। हमारे हम क्षेत्र में भ्रमण करते थे, बच्चे देखते बताते थे, हम धर्म पूछते थे, वो जातियां बताते थे अपना धर्म। आज जाइए, बच्चे अपना स्वयं धर्म जानते हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी। महाराज जी, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मेरा आधार मेरा हिंदू सनातन धर्म है, और जो मेरा हिंदू समाज पिछड़ा हुआ है, आज भी कच्चे मकानों में वास करता है, आवारा पशुओं से त्रस्त है, और जो देव रूपी हमारा श्री परिजात धाम हो या लोधेश्वर महादेवा हो, और गांव में बने मंदिरों की जर्जर अवस्था हो, मैं इन पे एक बड़ा कार्य करूंगा, और रोजगार के लिए हिंदू भाइयों के लिए एक दो फैक्ट्री भी क्षेत्र में व्यवस्था। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ भी तो एक बहुत बड़े चेहरे हैं हिंदू जनमानस के लिए, मठाधीश हैं गोरखनाथ पीठेश्वर धाम के, तो महाराज जी वो भी तो हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ भी चमक रहा है, और हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, तो महाराज जी विद्रोह क्यों? नहीं नहीं, देखिए विद्रोह नहीं है, ये आपका नजरिया है, विद्रोह नहीं है, ये एक परिवर्तन की एक नई बेला है, नया सवेरा होने वाला, अंधेरा छटेगा, उजियारा निकलेगा।
मैं चाहता हूं कि गांव में कोई मंदिर ना छूटे कि जो जिसमें एक में भी सौंदर्य करना हो, जिस जो जर्जर अवस्था में उसको सौंदर्य करना हो। मैं बड़ी मजबूत विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदू जगेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। महाराज जी, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और क्या आपको मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं चाहिए? अगर आप नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा हिंदू चाहिए, केवल और केवल हिंदू चाहिए मुझे। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जो हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर चलते हैं साथ में, आखिर आप क्यों नहीं लेकर चलना चाहते? देखिए, कौन क्या करता, हमने कहा सबकी अपनी विचारधारा होती है, कार्य करने का सबका कार्य अपना एक अलग होता है, हमारा कार्य बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जनता आपका पूरा परिचय जानना चाहती है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका निवास स्थान क्या है, आखिर बिना जाने समझे आपको जनता वोट भी तो नहीं दे सकती है, पूरा परिचय आप बताइए, हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए, नाम तो आपका नीरज शर्मा है, जन्म स्थली एक ऐसे जिला जो अपने आप में एक इतिहास के रूप में जाना जाता है, मेरठ। दूसरा, धर्म स्थली हमारी गोरखनाथ मंदिर है, और गुरुजी कौन है उनके बारे में तो आप सब लोग ही जानते हैं। ये आप भी बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। देखिए, नाम आता है तो वो तो स्वाभाविक हो जाता है, आपका भी गुरु होगा जीवन में अपना कोई। बिल्कुल बिल्कुल, बिना गुरु के इंसान आगे जीवन में बढ़ ही नहीं सकता। महाराज जी, गुरु का नाम बताइए, जनता देख रहे हैं। देखिए, वो सब जानते हैं गुरु कौन है। महाराज जी बताइए, जनता देख रहे हैं। ठीक, बता रहे हैं। देखिए, हमारे गुरु कौन है आप भी जानते हैं, आपके कौन है उसे भी जानते होंगे। कुछ बातें हैं महाराज जी, जनता को बताइए ना। नहीं नहीं, बता दिया, जनता सब समझ रही है। जनता को आप अपने मुख से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा। जनता समझ रही है, जानती है। महाराज जी, आप एक बार बता दीजिए ना। नहीं, जनता उत्सुक है काफी, देखे किस तरीके से उत्सुक। वो सब जानते हैं आप, उसमें तनिक संदेह नहीं है। बस यही निवेदन है जी, खोल दीजिए नाम ना। सुन लीजिए, बस एक ही निवेदन है मेरा आपसे, अगर आप चाहते हैं हमारा राम। योगी आदित्यनाथ जी आपके गुरु हैं? देखिए, हम कहते हैं महाराज जी, क्या योगी आदित्यनाथ जी आपके? अरे सुन तो लीजिए, हम कह रहे हैं कि जो हमारा रामनगर है, रामनगर से रामनगरी बनना चाहिए, विकास की ओर एक नए पथ पर अग्रसर होना चाहिए, हमारे क्षेत्र की दिशा भी बदले और दशा। विकास की बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, विकास की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है। महाराज जी, देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं वो कोई बातें नहीं कर रहा, हमारी बातों का नाम बताइए, हमारी बातों की किसी की तुलना मत करिए, हमारी बात सबसे अलग मिलेंगी आपको, किसी की बात का कोई उसमें आपको डुप्लीकेट या किसी तरह का मनमुटाव नहीं मिलेगा। महाराज जी, जनता काफी परेशान, बता दीजिए गुरु। अरे देखिए, आप सब जानते हैं भैया, थोड़े ना जब नाम जुड़ जाता है तो फिर उसके महाराज ना रहे। जनता जानना चाहती, क्या आप योगी आदित्यनाथ जी के चेले हैं? आखिर आप योगी आदित्यनाथ जी के चेले हैं तो भारतीय जनता पार्टी से निर्दलीय विधानसभा में हिंदुत्व जनमानस के लिए अगर आप वोट मांग रहे हैं, हिंदू होने के नाते वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही काम कर रही, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांग रही है, तो महाराज जी इसमें तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सुनिए, हम एक बात करें, हमने पहले भी कहा पार्टी आज है शायद कल ना रहे, हिंदू कल भी था आज भी और आगे भी रहेगा, और भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक श्लोक कहा है कि कलयुगे संगठने शक्ति, कि अगर कलयुग में सबसे बड़ी कोई शक्ति होगी तो वो संगठन में होगी, ना पार्टी में होगी, ना व्यक्ति विशेष में होगी, केवल और केवल संगठन। किस संगठन से महाराज जी? सामाजिक समरसता उत्थान संगठन से। बिल्कुल, लेकिन आप गुरु का अपने नाम नहीं बताएंगे, उन्होंने क्या भेजा था आपको? आपने मैं जनता में एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ कि क्या करेंगे। कोई विधायक हो या मंत्री कहते हैं कि एक गाँव गोद ले लिया, वो गाँव गोद ले लिया, पर ये शख्स ऐसा था, जब 2 साल पहले आया मैंने स्थिति यहाँ की जर्जर देखी, मैंने दिल से आवाज उठा के कहा था कि मैं इस पूरे रामनगर को गोद लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में योगी सेवक नीरज शर्मा जी, लेकिन इन्होंने अपने गुरु का नाम नहीं बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर योगी सेवक ये लिख रहे हैं तो आप जान जाइए कि योगी जी के सेवक है, लेकिन योगी जी के विद्रोह में मैदान में उतर